अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 20 नवंबर को पूरी दुनिया में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मेरे मुल्क में बच्चों को उनके बुनियादी हकूक हासिल हैं, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हर गली कूचे में आपको रिजवाना जैसे केसेस, तैयबा जैसे, फातिमा जैसे केसेस देखने को नजर आएंगे, आपको जैनब जैसे केसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई इनको देख के कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पे वर्कशॉप्स पे बच्चों के साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, घरों में छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म किया जाता है, और जितना इस चीज में मुआशरे का कसूर है उतना ही उन वालदैन का है जो कि चंद रुपए की दिहाड़ी पे अपने बच्चों को बेच आते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि गरीब के लिए तो बहुत सख्त कानून है, लेकिन अमीर के लिए कोई कानून नहीं। तो जब तक हमारे मुल्क में गरीब के लिए और अमीर के लिए एक जैसा कानून नहीं होगा, इक्वल लॉ नहीं बनाया जाएगा, तब तक हमारा मुल्क तरक्की भी नहीं कर पाएगा। और जैनब कत्ल जैसे, रिजवाना तैयबा तशद्दुद केसेस और फातिमा जैसे मर्डर केसेस सामने आते रहेंगे। कानून तो है लेकिन उनपे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जाती। हुकूमत को चाहिए कि जो कानून बनाए गए हैं उनपे इम्प्लीमेंटेशन करवाए, और इसी तरह हमारे मुल्क में बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम खत्म हो सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।